हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, कल से आईपीएल स्टार्ट हो गया है और कल था भाई आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच। और भाई हमारी टीम आरसीबी फिर से कल मैच हार गई सीएसके। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ए दिल तू क्यों रोता है? ये दुनिया है, कुछ भी यहाँ ऐसा ही होता है। हर बार भाई यही सोच के आते कि आज जीतेंगे कल जीतेंगे, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। कोई नहीं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह ये वाला आईपीएल तो हमारी टीम जीतेगी, आरसीबी जीतेगी भाई इस बार का आईपीएल, देख लेना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको क्या लगता है ये साल का आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, आप अपने हिसाब से बताओ भाई। आप तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन जीतेगा इस बार का आईपीएल, जल्दी जल्दी कमेंट बताओ भाई। भाई कल मेरे और तौफीक सेट में शर्त लगा हुआ था। एक्चुअली तौफीक ना सीएसके का सपोर्टर है और मैं हूँ आरसीबी का, तो कल हम दोनों में शर्त लगा था कि भाई किसकी टीम जीतेगी। वो बोला था सीएसके जीतेगी, मैंने बोला था आरसीबी जीतेगी। अब भाई जब मिलेगा ना तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा मेरी, क्योंकि उसकी टीम जीत गई थी ना। अब कैसे मुंह दिखाऊंगा भाई उसको, मैं ऐसे लेके जाऊंगा मुंह। और जिसको भी नहीं पता भाई, हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं, डेली भाई एक दो रील पोस्ट कर रहे हैं। तो जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है फटाफट जाके फॉलो कर लो। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे बस 8000 फॉलोअर और चाहिए भाई इंस्टाग्राम पे, 100000 फॉलोअर मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जाके फॉलो करो, वहां बहुत तगड़े तगड़े रील में बना रहा हूं भाई, फॉलो करो जाके। फिलहाल भाई साहब देखो शाम के 5 बज गए हैं और अभी जस्ट मेरे पास तौफीक सेठ का कॉल आया था, वो आ रहे हैं घर पे। उसके बाद हम लोग को जाना है भाई मार्केट में, क्योंकि इफ्तारी का कुछ सामान खरीद के लाना है भाई, तो चलते हैं मार्केट फटाफट। फिलहाल भाई साहब ये देखो हम आ गए अपने पार्किंग में बाइक लेके, यहीं पे बोले तौफीक सेठ आने को, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई, देखो कब आते हैं। सलाम वालेकुम सेठ। वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? भाई आज के मौसम में ना बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्यों तौफीक? अरे मुश्किल इसलिए है ना कि ये जो कीड़े हैं ना ये बदबू बहुत ज्यादा करते हैं। भाई उड़ के बालों में घुसर जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। चलो मार्केट चलना भाई। चलो चलो। फिलहाल भाई साहब ये देखो दुकान पर लोग पहुंच चुका है, यहाँ से भाई टिकिया पार्सल ले रहे हैं इफ्तारी के लिए भाई, और भी यहाँ पे भजिया वजिया भी देखते क्या लेना है। रामा कृष्णा टिक्की कार्नर। तो भैया हम आए हैं रामा कृष्णा टिक्की कार्नर, ये भैया का दुकान है। यस। भाई साहब ये देखो ये है पनीर का पकौड़ी, तो ये भी ले रहे हैं और ये भी रख देना भाई। ठीक सेठ तुमको भी इफ्तारी के लिए कुछ लेना तो ले लो भाई। नहीं भाई आज हमारे यहाँ तो इतना इफ्तारी बन रहा है। हाँ क्या क्या बनवाओ इफ्तारी में? क्या बोलूँ, क्या क्या बता। चार तरह का टिकिया बन, वो बना भजिया। हाँ ठीक है। और अंडे का है, पनीर का है, आलू का है, दाल का है। हाँ। उसके बाद चिप्स है, 3-4 आइटम। हाँ। फिर क्या नाम है, चिकन का कुछ। वाह भाई साहब आज तौफीक ने तो गर्दा मचा दिया भाई। रहा है भाई तो बनाना पड़ेगा ना। चलो सही है सही, नहीं तो ले लेता भाई इधर से, मैं ले लेता। एक चीज बेटा भुला ही गए ना, का कलिया जन तू बड़ा मजा लेते रहो, आरसीबी जीती आरसीबी जीती बेटा, का है फट गए ना। अरे पहला मैच तो हार गए, जीतेंगे ही नहीं, क्वालिफाई तक नहीं करेंगे बेटा। अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो साले, पहला मैच तो हार गए, फाइनल मिलोगे तब बताएंगे। क्या मिलना है? हाँ। पहुंचोगे नहीं तो फाइनल में तो क्या मिलोगे? हाँ ये कहो कि कहना लो कोई दूसरी टीम का सपोर्ट करके। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक ही टीम का सपोर्ट करते हैं भाई। आरसीबी नहीं जाएगी इतना जानता। ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलना तब बताएंगे, फाइनल मिलना तब बताएंगे। 2 महीने बाद, 2 मैच होता है ना, अभी 1 मैच और पड़ा हुआ है। 3 मैच उसके उसके घर में है, हो सकता है जीत जाए, मैं नहीं कुछ कह सकता। ठीक है बेटा उड़ा लो मजाक हमारा। मजाक क्या, हमारा भी दिन आएगा। माही तो माही है, सोच समझा स्टंप के पीछे से क्या कर देता है। मैच बदल देता।
भाई देखो मैंने बोला था ना कि तौफीक मेरा मजाक उड़ाएगा, देखो मजा लेना शुरू कर दिया भाई। भाई पहला मैच था, हार गए, क्या कर सकते हैं यार। रनिंग कम बनाए थे, 170 रन बनाए थे, जहाँ पिच पे 200 रन बनना था। हाँ मतलब हाँ ज्यादा, लेकिन हम हार गए, क्या कर सकते हैं भाई, कोई नहीं, जीतेंगे भाई। अरे कब जीतेंगे, अकाय कोहली जीतेगा कि विराट कोहली जीतेगा? अरे जीतेंगे यार, इसी साल जीतेंगे। मुझे ये कप हमारा ही, आरसीबी का ही है, मुझे तो नहीं लगता। आप देख लेना तुम बेटा। ये लो भाई हमारा पार्सल हो गया, यहाँ इसी में रख दो भाई। तो फटाफट भाई हमने इफ्तारी का सामान ले लिया, फटाफट घर निकलते क्योंकि 6 बजने वाला भाई, इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है। चलो चलो चलो, तो भाई साहब घर के लिए निकले ही थे, हमको 2 सब्सक्राइबर मिल गए, बता दो भाई अपना अपना नाम बता दो। अभिषेक चौधरी। कहाँ से आप लोग? मुराद पोखर। अच्छा, और मैं बस्ती से हूँ। आप लोग पीछा कर रहे थे बाइक से? चलो ले लो भाई, फोटो ले लो। चलो चलो बाबू, चलो चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो भाई। जल्दी जा जल्दी जा, तो फिर जल्दी जा, टाइम हो गया भाई। और फटाफट भाई साहब हम घर पे पहुंच गया, बस 2 मिनट बचा हुआ भाई इफ्तारी पे, फटाफट चलते भाई। ये देखो भाई कितना बज रहा है, 6:12। उधर अजान हो रहा है, अब आ रहा है, देखो। चलो भैया अजान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा बराबर भी रोजा खत्म हो गया है, अभी हम लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। रोज का डायलॉग हो गया तेरा। फिलहाल भाई साहब अभी रात के बज रहे हैं 10, और आज के ब्लॉग में बस इतना। आज के वीडियो में इधर उधर हम ज्यादा गए नहीं भाई, एक्चुअली रमजान चला आपको पता ही, तो ज्यादा इधर उधर आना जाना होता नहीं है, तो शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सी नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।